नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लोकल बिटकॉइन डॉट कॉम पर आप अपना बिटकॉइन से INR और INR से बिटकॉइन कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा कि बिटकॉइन का जो रेगुलेशन है वो अभी चल रहा है इंडिया में, उसके ऊपर जो फाइनल न्यूज़ है वो आई नहीं है अभी। तो आप इंडिया में ऑलरेडी बिटकॉइन को लेकर कोई भी अभी गाइडलाइन आई नहीं है। अगर आप ट्रेडर है, आप बिटकॉइन बाई करना चाहते हो, तो लोकल बिटकॉइन डॉट कॉम का यूज़ करके आप बिटकॉइन यहाँ पे बाई और सेल कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट का नाम है दोस्तों लोकल बिटकॉइन डॉट कॉम, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें जो बिटकॉइन की टोटल ट्रेडिंग अभी दिखा रहा है 16,451 और 248 कंट्रीज़ में ऑलरेडी है, इंक्लूडिंग इंडिया। यह इंटरनेशनली चल रहा है इस वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट क्या है कि एक मीडिएटर है, जैसे कि आप देख रहे हैं जो हैदराबाद की ट्रेडिंग्स है और इंडिया में जिस जिस सिटी की ट्रेडिंग्स हैं, जो जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उन सब का नाम बाकायदा दिखा रखा है और उनके सामने इनका पूरा एड्रेस है बिटकॉइन से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लोकल बिटकॉइन डॉट कॉम पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। साइनअप का बटन देख रहे हैं आप राइट साइड पे, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम चूज करना है, कोई भी यूज़र नेम। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अपना यूज़र नेम सेलेक्ट कर लिया आपने कोई भी, आपको अपना ईमेल डालना है। ईमेल के बाद आपको पासवर्ड डालना है और सेम पासवर्ड आपको रिपीट करना है यहाँ पे नेक्स्ट बॉक्स में। और उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, वेरीफाई करना है और नीचे रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपको एक ईमेल आएगा आपके अपने इनबॉक्स में, उसके ऊपर लिंक आएगा, तो आपको अपना ईमेल वेरीफाई करवाना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा और फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल वेरीफाई करवाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और नेक्स्ट प्रोसेस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, तब आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो करना है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल वेरीफाई करवाना है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। मोबाइल नंबर पर लोकल बिटकॉइन की तरफ से एक कोड आएगा, उस कोड को इसके अंदर आपको पुटअप करना है और तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी पर्सनल आइडेंटिटी वेरीफाई करवाने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके, पर्सनल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, आईडी प्रूफ, लाइसेंस, पासपोर्ट, उसके बाद ही आप यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। जैसे कि लॉगिन करने के बाद आपको अपने राइट साइड में प्रोफाइल पे क्लिक करना है, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। वेरीफिकेशन पे ईमेल आपकी वेरीफाई हो जाती है तो यहाँ पे यस लिखा आएगा ग्रीन में। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना है यहाँ पे, और उसके बाद आइडेंटिटी वेरीफाई करवाना है, जो कि काफ़ी मस्ट है इस चीज़ के लिए। अगर आपकी आईडी वेरीफाई नहीं होगी तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर सकोगे बिल्कुल। ठीक है, कंपनी इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आपका सिक्योरिटी सेटिंग करना है, 2FA गूगल ऑथेंटिकेटर भी इसमें है, तो सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद ई वॉलेट में आप अपना डिपॉजिट कर सकते हैं BTC और उसका ट्रेड कर सकते हैं।